हरियाणा के गांव से निकले, इस वक्त हम सोनीपत सिटी में आ गए हैं। अब गांव के लोगों की हमने राय जानी, थोड़ी मिक्स राय है, लेकिन बीजेपी का रुझान गांव में ज़्यादा है। अब हम देखेंगे कि क्या सिटी में भी वही माहौल है गांव वाला, या फिर कुछ अलग है। क्या यहाँ के भी लोग 370 और मोदी फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है, या फिर सरकार की नीतियाँ, खट्टर के जो काम हैं जो करवाए हैं खट्टर सरकार ने, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस का, या फिर जजपा का, या नए लोगों का, किसका माहौल सोनीपत में है, लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। इस वक्त हम सोनीपत में मौजूद हैं। यहाँ से कविता जैन दो बार विधायक बन चुकी हैं, और सुरेंद्र पंवार इस वक्त कांग्रेस से उम्मीदवार हैं यहाँ से। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या माहौल है जी, क्या माहौल लगता है आपको यहाँ पे? यहाँ का माहौल तो बहुत ख़राब है, और दूसरी है कि यहाँ पे जो है अपना राजीव जैन और कविता जैन ने कोई काम नहीं करवाया। क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि कोई काम नहीं करवाया? तो मंत्री भी हैं कविता जैन तो हरियाणा सरकार में, उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना, जब काम भी नहीं हुआ, 5-6 सालों में कोई काम नहीं करवाया तो अब क्या करवाएंगे वे? मतलब ऐसा क्या हुआ कि काम नहीं करवा पाई? और कांग्रेस से क्या लगता है कि आपको कांग्रेस कुछ कर पाएगी? सुरेंद्र पवार देख लो, 5-6 सालों से कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, और वो समाज सेवा में थे, समाज सेवा में भी थे और कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं सोनीपत में, हॉस्पिटलों में, हर एक चीज़ में, हर एक जगह सपोर्ट दे रखा उन्होंने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मोदी फैक्टर यहाँ पे काम करेगा या फिर कोई नहीं कर पाएगा? 370 का कोई प्रभाव है हरियाणा के विधानसभा चुनाव पे? लोकसभा पे तो पूरा रहा, 370 का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई यहाँ पर बेनिफिट नहीं है। तो कविता जैन का भी कोई आप असर नहीं मानते हैं इस क्षेत्र में? तो क्या लोकल मुद्दे क्या हैं जो विकास नहीं हुआ आपकी नज़र से? विकास क्या, काम धंधा बिजनेस सब खत्म हो गया है यहाँ पे, दुकानें सब खालियाँ हो चुकी हैं, मतलब बेरोजगारी आ गई है एक तरह से, बहुत ज़्यादा आ चुकी है। मंदी दुकानों में मंदी का माहौल किस तरह से? बिल्कुल मंदी का तो पूछो मत, सुबह सुबह से लेकर 9-10 बजे तक बैठे रहते, रात तक कुछ भी नहीं होता, सेल वेल कुछ नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या मंदी का माहौल है हरियाणा? मंदी का बहुत ज़्यादा माहौल है भैया, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कह रहे खट्टर सरकार तो नौकरी भी लगवा रही है, सरकारी ग्रुप डी में अभी बताते हैं नौकरी लगी, कोई खट्टर डी ने कोई 99 नंबर है हमारे, मेरी वाइफ के खुद 99 नंबर है। किस चीज़ में 99 नंबर है? इसमें जो डी ग्रुप का दिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ उसमें? कुछ भी नहीं हुआ, करना कोई लेटर आया, जिस किसी बार से वही लगते हैं, ऐसा कोई नहीं। मतलब बीजेपी सरकार कह रही थी कि अब सिफारिशों का काम बंद हो गया, वो कांग्रेस और सिफारिश का काम, आपके अनुसार टोटल सिफारिश से अभी नौकरियां लग रही हैं? ठीक है, और बिजली की दरों में क्या कुछ? बिजली की दर पहले घटा दी थी और फिर बढ़ा दी, पहले घटा दिए थे बिल, अब फिर बढ़ा दिए, अब के बिल आज आपके बाद क्या रहा था? मोटर व्हीकल एक्ट आया है जो पहले इन्होंने 2 महीने पहले घटा दी थी, अब जो अभी बिल आया है तो उसमें बद क्या रही है? ठीक है, अभी मोटर व्हीकल एक्ट जो आया, जो महंगे जो चलान हो गए हैं, इस पे क्या लगता है कि इससे लोग रूल मानेंगे, क्या बेनिफिट होगा या नुकसान होगा? इस रूल का कोई फायदा नहीं होना है, कितना ही कुछ कर ले कुछ नहीं होना है, पहले सरकार ने आदत डाल दी है इन चीज़ों की, बिना हेलमेट के और उसकी, और उस चीज़ को एकदम से सुधार करेंगे, कोई बेनिफिट नहीं होना उसका। महंगे कर देना चलान ठीक है या गलत है? इतना महंगा बहुत गलत है, बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा डबल हो सकता है इसका, मिले थोड़ी के 10 गुना किराया लेंगे वे, वो भी गरीब आदमी के कट रहे हैं, सिफारिश वाले तो वही ऐसे जा रहे हैं, पुलिस वाले की कोई जानकार कहता फोन करवा देता वो वापस निकल जाता। ऐसा सीएम खट्टर फेल है या पास है आपके अनुसार? खट्टर तो बिल्कुल फेल है, 0/0 है, उन्होंने भी कोई काम नहीं करवाए, सिर्फ हाथ हिलाने के अलावा कोई काम नहीं होते इनसे। चलान तो इन्होंने इतने महंगे कर दिए हैं, लेकिन रोड की हालत देखो, ये कह रहे हैं हमने विदो से जैसा हाल कर रहे हैं चलान, विदो से जैसे चला नहीं है, मतलब कि ये कि गड्ढे सड़क पर है, उसका कोई वो नहीं है, तो ऐसे होने चाहिए ना जैसे विदेशों में है, तभी तो वैसे चलान वैसे मान्य होंगे यहाँ पे। विदेशों के रेट पर चलान कर रहे हो तो गड्ढे भी उसी तरह, विकास भी उसी तरह करो, वो कुछ नहीं है, यहाँ पे वैसी सुविधा होनी चाहिए, तब तो कुछ फायदा भी है। कविता जैन यहाँ से मंत्री भी हैं, तो उनके मंत्री होने का कोई बेनिफिट मिला है सोनीपत को? कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। बीजेपी सरकार कह रही है कि भाई हम मकान बना के देंगे गरीब आदमियों को, ठीक है, मकान कहाँ दिए वो, अपने MPML को मकान बना के दे रही है गरीब आदमी को, जो कांग्रेस सरकार ने दिए थे वो भी खा गई, वो भी जब्त कर दिया, हमारा गाँव रायपुर सोनीपत में आता है उसको भी मार्केट कमेटी में ले दिया। अच्छा। अब जो जमीन वहाँ पे खाली पड़ी थी गरीब आदमियों के लिए, वो 100-100 गज के प्लॉट मंजूर हुए थे, उनको भी दबा दिया। मतलब सोनीपत के गांवों को ये नगर निगम क्षेत्र में ले रहे हैं, अभी हम एक गांव से आए थे वहाँ पे भी नगर निगम, मतलब ये कि कई गाँव में जमीन नहीं है, हमारे गाँव में जमीन थी ज़्यादा, उसको जान पूछ के नगर निगम में लिया गया। नगर निगम का बेनिफिट हो रहा है या नेगेटिव, क्या मतलब असर क्या है इसका? गाँव वालों को क्या बेनिफिट हो रहा है? कुछ भी नहीं, और ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है उनका तो। हाउस टैक्स लग रहा होगा? हाँ, सभी कुछ लग रहा है। बीजेपी सरकार ये कह रही थी कि भाई हम गरीब आदमी को मकान बना के देंगे, कहाँ है वो मकान? है
गरीब आदमी को, लिखे पढ़े को तो नौकरी दे रही है, अंगूठा छाप कहाँ जाएंगे? तो अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो क्या लगता है कि कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी? पूरी कोशिश है उनको लाने की, जरूर कोशिश करेंगे, जरूर लेकर आएंगे। बीजेपी तो 75 पार का नारा दे रही है। कोई बात नहीं, 75 पार क्या, 30 पार भी मुश्किल है अब की बार। ऐसे बोलने से 75 पार का नारा होता नहीं, जो दिखाई दे रहा है वो तो आम पब्लिक को दिखाई दे रहा है। भाई कांग्रेस सरकार ने क्या किया, बीजेपी सरकार ने क्या कर रही है? ये अभी खट्टर, जब खट्टर साहब आए थे उससे दो, हाँ रोड शो हुआ था, रोड शो से पहले दो दिन पहले तो रोड बन रहे हैं। जो काम 5 साल में उन्होंने करा वो आप जाके 2 दिन पहले करे रोड बनाने। मतलब खट्टर साहब को काफ़ी 5 साल पहले रैली कर लेनी चाहिए थी। तो ये रोड अब इलेक्शन टाइम पे क्यों बन रहे हैं, पहले क्यों नहीं बने 5 साल पहले बीच में? और क्या समस्याएं या मुद्दे हैं? समस्या तो गरीबी, बिजली पूरी आती है कह रहे हैं 24 घंटे, हरियाणा के गांव गांव तक बिजली नहीं आ रही है। जो दिक्कत तो है सर जी, बेरोजगारी है, काम धंधे बिजनेस सब खत्म हो चुके हैं। 1500 का कर दिया ऑटो वाला, गरीब कहाँ जा गए? 100 रुपये का चलान 1500 कर दिया, नो पारी लोग कह रहे कि अपने आप कागज पूरे रखो फिर चलान पूरे हैं तो उसके बाद भी चलान कटते हैं। कोई टेम्पो वाले के लिए पार्किंग बना रखी है, यहाँ से कहा भाई यहाँ खड़े होगा सवारी बिठाओ तुम। अच्छा, तो नो पार्किंग कटोरा दे दिया सरकार ने हाथ में। अच्छा, मतलब सरकार लोगों से वसूली कर रही है इनका, यही कहना है चलानों के नाम पर।